यस चलो बस। तो इस पे मैंने 17,000 रुपए खर्च किए, तो लेकिन यार फील आती है, मतलब स्वागत है गाइस आज के व्लॉग में। एक मजेदार चीज दिखाता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। वैसे अभी सुबह के बज रहे, सुबह के नहीं मतलब 12 बजने वाला है, जो भी कंसीडर करना है। ये देखो, ये दिख रहे कपड़े चारों तरफ। तो कल तुम्हारे भाई ने जितने भी कपड़े थे ना, जितने भी, सब धो डाले ऑलमोस्ट। तो बाहर ना ऐसा जगह है नहीं, और रात में धोया था तो धूप तो होती नहीं, तो मैंने सोचा यहीं पे रख दूं। सूख चुके ऑलमोस्ट सारे, जहां भी स्पेस मिला वहीं डाल दिया। जहां भी, ये देखो ये मेरे रिंग लाइट में कपड़े, यहाँ पे ये ट्राईपोर्ड पे कपड़े ही कपड़े चारों तरफ। तो ये सीन है। एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। आज से ना मैंने यार कल एक चीज नोटिस करी। कल मैंने सोचा कि जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने देखा ना कि ठीक है, सब कुछ पता है मुझे, टेक्निक्स पता है, ये कैसे करना है, बहुत टाइम से कर भी रहा हूँ, रिजल्ट भी आ रहा है। पर ना वो वाली फील नहीं आ रही कि कोई ट्रेनर जब आपको पुश करता कि नहीं वन मोर रैप इतना करना है, ऐसा समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कल मैंने जिम में ना ट्रेनर से जो जिसके साथ आपने वीडियो देखी होगी एक दो सॉरी उससे बात करी। मैंने बोला यार तुम मुझे कल से ट्रेन करोगे, अपने हिसाब से करो। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ठीक है मिलके करेंगे तो कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, कुछ आपके एक्सपीरियंस है कुछ मेरे। वो कह रहा था आप क्या ही सीख पाओगे मेरे से। मैंने बोला कभी ऐसा मत बोलो, क्योंकि लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी बात, एज मैटर नहीं करता, कई बार आप अपने छोटों से भी नई चीजें सीख लेते हो। तो आज का प्लान ऐसा है कि आज से मैंने उसको बोला है कि जो वर्कआउट तुम सजेस्ट करोगे, तुम करवाओगे, मैं वही करूंगा। समझ लो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं समर्पित हो गया बेसिकली। इस तरीके से प्लान किया मैंने। तो ये सीन, रिजल्ट अच्छा है यार बल्किंग का। और कई लोगों का डीएम आ रहा है कि सर हमें भी रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ा पेट आ रहा है। पेट तो मेरा भी आया हुआ है यार, क्या बताऊं, मेरा खुद पेट आया हुआ है। काट देंगे, टेंशन मत लो, दिसंबर में काट देंगे बिल्कुल, रिप्ड फिजिक निकलेगी। सो गाइस चलो चलते हैं वर्कआउट करने, जिम में मिलता हूं आपसे, देखता हूं आज का क्या प्लान है, क्या वर्कआउट वो करवाता है। जो भी करवाएगा वही करूंगा। आप भी देखना चीजों को, और मैं बाद में वैसे बता दूंगा क्या स्प्लिट है, कैसे क्या, आप भी फॉलो कर सकते हो उसको। सो गाइस दिन के बज चुके हैं 2:30 लगभग, और अब मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, थैंक यू बोलना चाहूँगा, तुम्हारे भाई ने 17,000 के जूते ऑर्डर किए। देखो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि शोबाजी है, बट मैं जो चीज़ें यार जो चलती है लाइफ में वो आपसे शेयर करता हूँ। तो ये ना मैंने इस बार मिंत्रा से मंगाया था, एडिडास का अल्ट्रा बूस्ट है। तो मैं ट्राई करना चाहता था, मतलब ज़्यादा, मतलब मेरे उसका तो सबसे एक्सपेंसिव जूता है। ऐसे मैं जनरली 2,000-3,000 का पहन लेता था, इससे ज़्यादा नहीं पहनता था। तो इस पर मैंने 17,000 रुपये खर्च किए, तो लेकिन यार फील आती है, मतलब पैसे अगर लगते हैं तो वाकई में कुछ बात होती है। तो आज इसको पहन के वर्कआउट करूँगा मैं, और सब आप लोगों की वजह से कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों ने। मैंने तो अपने लाइफ में इमेजिन नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब ऐसे इतने महंगे एक्सपेंसिव जूते ही पहनूंगा। तो आज थोड़ा सा फील लूँगा कि कैसा लगता है, प्रॉपर मज़ा सा आ रहा है। वैसे ना एक फील आ रहा है प्रॉपर, जैसे ग्रिपिंग होती है ना। तो ये अल्ट्रा बूस्ट सीरीज़ ही है बेसिकली, रनिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वगैरह के लिए। तो चलो मिलते हैं जिम में। और अभिषेक से बात हो गई है, जो नया ट्रेनर होने वाला है, मतलब ट्रेनर नया नहीं, जिस पे डिपेंडेंट हो के अभी मैं लगभग एक महीने वर्कआउट करूंगा। यार मुझे थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार वही। और बैकग्राउंड में आपको कीर्तन की आवाज़ आ रही होगी। नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, माता रानी आपके घर में खुशियाँ समृद्धि भर दे। और चलो चलते वर्कआउट की। सो गाइस 2:30 हो चुके, 2:30 बज गए, घर से मैं निकला था 2:20 हो रहे थे, 10 मिनट में जिम आ गया। और इस टाइम पे जो होता है ना जिम खाली ही होता है, जैसा मुझे पसंद है। तो चलो आज ट्रेनर से बात करते हैं, जैसा आपको बोला है आज। अब मैं जो स्प्लिट फॉलो करने वाला हूँ ना, वो पुश पुल लेग होगा बेसिकली। तो क्योंकि अभी शुरू में एक एक बॉडी पार्ट स्प्लिट ट्रेनिंग कर रहे थे, अच्छा मसल ग्रोथ हुआ है, बल्किंग भी देख सकते हो आप प्रॉपर हुई है। अब आज से चेंज करने वाले हैं, पुश पुल लेग करेंगे। तो जो भी प्लान होगा आपको अपडेट कर दूंगा जैसा भी होगा। हो गया। सो गाइस विक्रम ही इज गोइंग टू बी अपनी अपनी बना रहे हैं। यश भाई क्या हाल है? बस बढ़िया। देख लो पूरा जिम खाली, दिस इज वॉट आई लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे ऐसा। तो
मजा आएगा अब ट्रेनिंग करने में। तो दिसंबर में ना अपनी कटिंग शुरू होगी प्रॉपर, तो अभी से थोड़ा सा एक्सट्रीम ट्रेनिंग का हैबिट हो जाएगा इससे। अभिषेक फिर आज से अपन पुश पुल लेग शुरू करते हैं। पुश पुल लेग में भी स्प्रिंट भी दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है, उसको फॉलो करना और जैसे जैसे रैप लिखे हैं ठीक है वो फॉलो करता है, उसमें रैप हाई है मतलब कुछ स्ट्रीट करने के लिए बॉडी। हाँ तो अभी तो स्ट्रेटेड वाला सीन तो अपन दिसंबर से चलाएंगे ना। ठीक है अभी फिलहाल सेम रूटीन सेम मसल बिल्डिंग के हिसाब से कर रहे हैं है ना। ठीक है तो वैसे मोस्टली तो मेरा टाइमिंग यही रहेगा जब खाली रहता है तो कर लेंगे साथ में, और नहीं होगा तो तुम वैसे भेज देना, मैं चीज़ों को देख के उसके बाद फॉलो कर लूँगा। ठीक है ना। सो गाइस चलो चलते वर्कआउट। तो क्या करें फिर आज, पुश पुश से शुरू करते हैं, चेस्ट ट्राई सर चेस्ट ट्राई से शुरू करते। ठीक है सो गाइस वर्कआउट मैं दिखा दूंगा आपको जो भी होगा, और आज पुश वर्कआउट है अपना, शुरू करते हैं फिर। भाई तुम्हारा सूट कहाँ है जिससे तुम वर्कआउट करते हो पहन के? 3.5 लाख का चश्मा है तुम्हारा। तुम तो यार सूट में करते थे वर्कआउट, ये क्या है? अच्छा सो गाइज वेट जो है मेरा ना 90 पहुंच चुका है, मतलब 82 पे शुरू किया था, सीधा सीधा 8 kg बढ़ चुका है, और बढ़ा भी है तो मसल मास बढ़ा है, वैसे बहुत ज़्यादा फैट तो नहीं है, पर इस बार ना कटिंग में जो साइज आएगा ना प्रॉपर निकल के मज़ा आएगा। सो गाइज वर्कआउट रूटीन क्या होने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको, ये है रूटीन, और इसमें हम पहले दिन करने वाले हैं पुश जिसमें चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप होगा, और अब दूसरे दिन होगा पुल जिसमें बैक ट्रैप्स और बाइसेप्स है, फिर थर्ड डे इज़ गोइंग टू बी आवर लेग डे जो कि मैंने शुरू कर दिया है अब, और मतलब पहले से बेटर है कर पा रहा हूँ, और फिर है पुश जिसमें हम कवर करेंगे चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, फिर से थोड़ा एक्सरसाइज का वेरिएशन होगा, यही है ना। सो गाइस ये है अपडेट फिलहाल, और ये देख लो बॉडी हु इज गोइंग टू ट्रेन मी। भाई इसी बॉडी का ट्रेंड चल रहा है, पता होता तो मैं कभी बल्क नहीं करता, ऐसे ही रहता। सो गाइज चलो अब वर्कआउट करता हूँ मैं, और चीज़ें शेयर करता रहूँगा आपसे जो भी है जैसा भी है, एंड विल अपडेट यू। व्योम भाई को सरप्राइज दिया है मैंने। आज जिम खाली था, मैं सोचा चलो तुमसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तुम मुझे लग रहा आराम करने जा रहे थे क्या? लाइटें वाइटें चलेगी? थके हुए लग रहे हो तुम्हें? एक्चुअली वो काम चल रहा है ना इंद्रप्रम भाई, नया सेटअप। हाँ सो गाइज 3 जिम का ओनर है ये ऑलरेडी बंदा, और ये किसी का मार्केट छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा है मुझे, 14 सेटअप देख रहा है इंद्रपुरम में। दिवाली तक ओपनिंग भी होने वाली है, तो यंग एज में जो सक्सेसफुल बंदे होते हैं ना उनमें से एक है, मतलब मैं लिटरली आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि देखो मैंने मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, बैठना पसंद करता हूँ, चीज़ें सीखने को मिलती है, साफ सीधी बात है। तो अपने 4 सेटअप हो गए? हाँ 4 सेटअप हो जाएंगे अपने। ओके दैट्स ग्रेट। चौथा इंद्रपुरम शक्तिखंड में होने वाला है, दिवाली पे ओपनिंग होगी इसकी। अच्छा देख लो भाई, एज क्या है अभी हम तुम्हारी? 24 एज है भाई की, और 4 जिम का ओनर है। कुछ कोई एक मैसेज दे दो जो तुम्हारे दिल से है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि देखो मैं तुम्हें सक्सेसफुल मानता हूँ, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? देखो मेरा तो ये है कि सक्सेसफुल तो आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप अपनी अगर अपने सोचा जाए तो सक्सेस कुछ नहीं है, सक्सेस की तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब भूख बढ़ती रहती है। बिल्कुल। तो जिस चीज़ में मन लगे वो करो, और सक्सेस को मुझे ऐसा लगता है हम ऐसा मेजर कर सकते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग कर रहे थे और अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पहुँचे, और 10 साल बाद देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, अभी तो नहीं देख रहे। हाँ अभी तो चल ही रहा है असल का टाइम, बट और 10 साल बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। राइट भाई, अपना काम लॉयल्टी से करो। हाँ एक अच्छी नीयत से करो तो सब सक्सेस ही है काम। ऑल राइट सो गाइज आपके लिए ये चीज़ें हेल्प इसलिए करेगी क्योंकि क्या होता है ना, आप मोटिवेशनल चीज़ें सुनते हो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जो पहुँचे उनसे, हम आपके बीच के बंदे हैं, जैसे आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो हम भी कर रहे हैं चीज़ों में, तुम अपने फील्ड में। हाँ मैं अभी रेस्ट करने आया तो सुबह से निकला हुआ था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली ये मुझे कह रहा है कि चले जाओ मैं रेस्ट का टाइम। सो गाइस मैं ऐसे ही मतलब एक जनरल टॉक के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था इससे मिला हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज सिंपल सी बात है जो बंदा कुछ अचीव करता है यंग एज में मेहनत करता है, ऐसे गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता कि घर का सब कुछ है, कुछ अचीव करना पड़ता है। और एक बात बताऊँ, तुमने एक बात बोली थी ना मुझे पहले जिम में तुमने डंबल भी रखा है उठाया है सारी चीज़ें करी है, तो गाइस हम कर रहे हैं बहुत मतलब छोटे लेवल से शुरू किया, ऐसा नहीं है कि
और थकान दिख रही है भाई के चेहरे पे। सो गाइस 16 साल की उम्र से लगे, 16-17 साल की उम्र में। अच्छा 16 की उम्र में देख लो गाइस, आज 24 साल मतलब 8 साल आठ साल में आज भाई के चार जिम का सेटअप है और आगे ये करता ही रहेगा मुझे पता है, क्योंकि इसके अंदर भूख दिखती है, तुम्हारे अंदर भूख दिखती है। लेकिन थोड़ा बाकी लोग अभी सोच लो मार्केट खत्म कर देते हैं तो मैं ही कहता हूँ सबका अपना तरीका काम करने का, राइट, सबकी अपनी किस्मत है, कोई कम कमा रहा है कोई ज्यादा कमा रहा है। सही बात है। अब मैं कमाई नहीं देखता कभी भी, मैं नहीं देखता मैं क्या कमा रहा हूँ, राइट, आज तक नहीं देखा मैंने, मैं बस अपना काम आगे बढ़ाने की सोचता हूँ और कुछ नहीं। वही है, सही है। सो गाइस ऑलमोस्ट स्टोरी सेम है, जैसे मैं मतलब मैं तो खैर बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया था सब कुछ, पर आज ठीक है और इन भाइयों का सपोर्ट भी बहुत रहता है टू बी ऑनेस्ट। सो चलो चलते वर्कआउट की तरफ, तुम रेस्ट करोगे फिर बात करते हैं। चलो टेक केयर। सो गाइस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बेंच प्रेस से, 5 सेट होंगे इसके और वेट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। रिपीटेशन अभी तो खैर रिपिंग फेज नहीं है अपना, शेडिंग फेज नहीं है, नॉर्मल रहेगा रिपीटेशन। अभिषेक ग्रेजुअली बढ़ेगा ना वेट, ओनली 5-5 करके जैसे अभी होगा बढ़ा दिया, 5 सेट ही निकालना ना, ठीक है। सो गाइस ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये वार्म अप सेट था, जैसा आपको पता अभी बल्किंग फेस चल रहा है, कैलोरी सरप्लस में मैं रहता हूँ मोस्टली, काफ़ी लाइट था बट ठीक है, वार्म अप के लिए सही है। अब ग्रेजुअली वेट बढ़ा के और इसके 5 सेट निकाल रहे हैं बस बिल्कुल। सो गाइस स्टार्टिंग में 20 से वार्म अप सेट लिया था मैंने, मतलब 20 kg, उसके बाद 10-10 का, ये अभी फिलहाल जो होने वाला है 80 kg है, 40-40 बाकी रॉड का वेट है, तो इससे ही दो निकाल लेंगे हम, 5 करना था नहीं, लास्ट वाले में लास्ट वाला करिए जो आम रैप है। अच्छा उसके अलावा 5 के लिए टोटल 5 टोटल 5, उसके बाद नेक्स्ट वाले में एक और करना, उसमें वेट लगेगा हैवी वेट, एक या दो रैप बस, एक या दो रैप। इससे तो मैं मुझे लगता निकाल पाऊंगा 5-6 तो आराम से, ठीक है निकाल उसमें फिर उसके बाद ऐड आइए 5-5 बार, ठीक है, और उससे ही क्या दो रहे लास्ट जितने निकलते हैं, ठीक है। चलो ये देखता हूँ भाई कितना लगता है और सपोर्ट ज़्यादा हो तो बता दें, ठीक है कोशिश तो करूँगा मैं बता दूँगी। चलो 3-2 8 रिपीटेशन निकला अभी 80 kg से, लास्ट कह रहे हो कि थोड़ा और बढ़ा के और जितना ज़्यादा निकल सके। हाँ 4 सेट, हाँ 4 सेट हो गए, 1-5 हो गए, ठीक है। उसके बाद छठे रैप में जो होगा आपका, हाँ रैप में रैप प्लस क्वालिटी रैप, ठीक है, ठीक है। उसमें हैवी वेट जितना ला सकते हैं, अच्छा 120-110 या जितना भी मैक्सिमम पुश कर, मैक्सिमम पुश करते हैं PR मारने के लिए। अच्छा 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 ठीक है, तो अभी मुझे लगता है 5-5 और रखो, 5-5। सो गाइस पहले तो मैं सोच रहा था कि लाइक 5-5 kg और बढ़ाऊंगा, मतलब कि टोटल 90, बट फिर अभिषेक ने बोला कि ठीक है ज़्यादा सपोर्ट उसको देना नहीं पड़ा, पावर था मतलब मेरे में, तो 100 kg हिट करते आज, मुझे लगता है मैक्सिमम होगा इस सीज़न का मेरा, अभी तक मैंने किया नहीं है 100 kg, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, कैसे जाता है, कर पाता हूँ कि नहीं परफेक्टली। चलो डल्ट वेल्ट्स हैवी हो रहे हैं, कटिंग के बाद बहुत मज़ा आने वाला है, जुड़े रहना बस, तुम लोग सपोर्ट करते रहो, देखो आग नहीं लगाती इंडस्ट्री में फिर बोलना। सो गाइस फिलहाल इस सीज़न का हाईएस्ट है मेरा, मतलब मैं ट्राई नहीं कर रहा था, 80 तक ले गया था, देखते हैं 100 kg पहुँच।
सो गाइस कितना 5-6 रेप निकल गया जो भी है अभी मैं सोच रहा था कि यहीं पे खत्म होगा बट ट्विस्ट है कहानी में थोड़ा तो 10-10 किलो और बढ़ेगा मतलब ये हो गया 100-120 रिकॉर्ड का वेट जो भी है टैक्सी अब क्योंकि मैंने बोला था ना आपको कि अब मैं अपने टेक्निक्स अपना कुछ भी नहीं चलाऊंगा साफ सीधी बात है तो पुश करना था मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना था बेसिकली तो भाई निकाल रहा था मुझे अच्छे से देखते हैं सो गाइस पीछे जो वेट दिख रहा है आपको ये मैं अभी पुश करने वाला हूँ PR हिट करूँगा बेसिकली देखते हैं बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ मुझे लगता है कई सालों से मैंने इतना वेट तो नहीं पुश किया था लेट्स सी वेदर आई वुड बी एबल टू मेक इट और नॉट और मतलब अभिषेक भाई कह रहे हैं कि 2-3 रेप्स जितना भी जाए उतना करना है तो एनर्जी तो है बल्किंग पे है तो करते हैं हिट देखते हैं क्या होता है अभी राइट आ जाएगा तुम्हारी आवाज़ में भाई सो वही 120 पुश करने वाला हूँ मैं और अभिषेक भाई ने बोला कि रिस्पेक्ट पहन लो फॉर सेफ्टी रीजंस वैसे बहुत टाइम से वर्कआउट उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा था तो ये पहनता नहीं था बट ठीक है इट्स वेरी गुड आपको पहनना चाहिए सो लेट्स सी हाउ इट गोज चलो ठीक है हाँ ये तुमने पहले बोल दिया ना तो मेरा माइंड सेट हो गया फिर एक होता है ना माइंड वाला सीन सो गाइस 2 रेप्स ठीक ठाक निकला ना ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं नहीं सर 2 रेप्स निकाला तुम्हारे भाई ने चेस्ट बिल्कुल फट के बाहर आने हो रहा है और अभी तो वर्कआउट शुरू हुआ है तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है तो बने रहो स्मिथ मशीन है तो आप वैसे भी बेंच से पीछे जिस तरह से बोर्ड मिले कह सकते हो बस जो वेट है आपको इतना रखना शोल्डर पे ठीक है और इस तरीके से ये इतना नीचे जाए तो गाइस इसके बिहाइंड द नेक प्रेस के मैंने 5 सेट्स निकाले और वेट ऑलमोस्ट सेम ही रखा पर बहुत सही इम्पैक्ट आया रियर डेल्ट पे तो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊँ चलो दिखा दूँगा पर बहुत सही इम्पैक्ट है अभी इसका ध्यान रखना जैसे स्मिथ मशीन नहीं है तो आप बेंच भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से पीछे लीन होके ऐसे आपको इतना रखना है हल्का कि सपोर्ट मिल जाए और गर्दन के पीछे जैसे मैंने वर्कआउट में दिखाया इस तरीके से आप करो 25-30 रेपिटेशन निकाले मैंने एक सेट में 25-30 और इस हिसाब से आपने इसको सो गाइस पुश रूटीन में चेस्ट से शुरू किया था जैसा आपने देखा दूसरा बिहाइंड द नेक शोल्डर के लिए और अब ट्राइसेप के लिए पहले ट्राइसेप डिप्स 3 सेट्स करेंगे और उसके बाद फिर ट्राइसेप के बाकी वर्कआउट तो आपको क्या करना है देखो शोल्डर विथ पे हाथ रखना है बेंच यूज़ कर सकते हो आप पैर ये इस तरीके से ऐसे
पूरा डीप जाना है ताकि प्रेशर ट्राइसेप पे आए, इस तरीके से पुश। सो तीन सेट इसके भी आपको, रेप्स 20-30 अपने हिसाब से। बेसिकली मुझे लगता है ट्राइसेप का वार्म अप सेट ही होगा ये, है ना? प्रेस तो सही आ जाएगा, उसी पे पंप हो जाएगा, है ना? और इसके बाद अपन ट्राइसेप का वर्कआउट करने वाले प्रॉपर। सो पहला था अपना चेस्ट पुश में, दूसरा शोल्डर का था बिहाइंड द नेक, तीसरा ये ट्राइसेप का वार्म अप, अब ट्राइसेप का वर्कआउट होगा। सो गाइज ये स्टैंडिंग केबल क्रॉस, वेट ठीक है अभिषेक? वेट सही है ना? सही है, पोस्चर देख लेना आप, ये फ्रंट लेके आना, ये ठीक है, इतना अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छा स्क्वीज, बहुत बढ़िया, स्क्वीज अप, स्क्वीज अप, और रेगुलर 3 रेप्स कंटिन्यू, 1 2 3 स्टॉप, स्क्वीज करो, चेस्ट पूरा स्क्वीज, फुल स्क्वीज दो, पूरा स्क्वीज दो, स्क्वीज करो, स्क्वीज करो, होल्ड होल्ड करो, स्क्वीज करो, फुल स्ट्रेंथ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 रिलैक्स। कुछ नहीं बोल पाऊंगा, गो अप, होल्ड इट, बैक, होल्ड इट, स्क्वीज वेल, फिर स्ट्रेट कर दो, 1 2 3 4 5 बैक, होल्ड इट, 4 5 4 7 4 reps, 1 2 straight down। सो गाइज ये ट्राइसेप एक्सटेंशन ई जेड से कर रहा हूँ मैं, ये ग्रिप सही है इतना और क्लोज, ठीक है, एल्बो आउट, ये चलो सीधे करना हाथ ऊपर, ठीक है, ठीक है, फुल आ रहा है, आ रहा है, और नीचे आने वाला, ओके, जितना नीचे स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है, स्ट्रेच करो एंड स्क्वीज करो, ये है फ्राइड राइस और ये पनीर टिक्का, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड फैट्स, और यहाँ पे अपने को कार्ब्स मिल जाएगा। तो अभी जैसे आपको पता बल्किंग फेज चल रहा है अपना, तो ये चीज़ें चल सकती है लाइक गुड कार्बोहाइड्रेट पनीर, और द रीज़न वाई एम ईटिंग हियर इज़ टेस्ट और क्वालिटी अच्छी है। हॉट लेबल कैफे घर के पास में, वही आया हुआ था, ऐसा कुछ दिखता है, गुड प्लेस टू सिट एंड हैंग अराउंड, ऐसा हम लोग सोचो, पेड प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं है, बाकी में टेस्ट अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पे खाता हूँ। और ब्लॉग को आज यहाँ पे एंड करने का रीज़न ये है ना कि घर पे कुछ रिलेटिव्स आ गए थे तो ना मैं एडिटिंग कर पाया ना कुछ। तो आई होप कि ये जो पुश वर्कआउट है ये पसंद आया हो आपको, सारा कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया, अब डे टू डे कैसा रूटीन रहने वाला, क्या चीज़ें सब कुछ बताऊँगा आपको। भूख लगी थी बहुत तेज और घर पर बनाने का कोई सेटअप था नहीं, तो यहाँ पर मील लेते हुए वीडियो को एंड करते, कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।